राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। नमस्कार। तिरालीस मौत, 55 घायल, 19 गंभीर। देश में बॉम्ब ब्लास्ट होना इतनी आम बात हो गई है कि ब्रेकिंग न्यूज तो क्या, अब तो ये न्यूज कहलाने के लायक भी नहीं रह गई। एक बार फिर देश के हिंदुओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। सभी उंगलियां उठा रहे हैं देश में रहने वाले सभी मुसलमानों के ऊपर। एक बार फिर कहा जा रहा है कि अगर हिंदू मुसलमान में कोई रिश्ता हो सकता है तो वो है सिर्फ नफरत का। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे और खुद से भी। समीर खान फिल्म सुपरस्टार के तौर पर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। अपनी फिल्मों में अक्सर हिंदू किरदार निभाते हैं। उनके करोड़ों फैंस से मैं पूछना चाहूंगा कि आपको जानकारी नहीं है कि समीर किस धर्म के हैं? अगर हम इस सोच पर यकीन करें कि इन दोनों कौमों में सिर्फ मतभेद और नफरत का रिश्ता हो सकता है तो उसी यकीन के अनुसार समीर खान को इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जो हिंदुओं में लोकप्रिय हैं और ऐसे कई नाम हैं जिन्हें मुसलमान सराहते हैं। कुछ चुनिंदा अवसरवादी लोगों की कट्टरपंथी सोच का नाम ही कौमी नफरत है। ये बात आप और हम जानते भी हैं और सोचते भी हैं। क्यों बनाते हैं हम इसे अपनी सोच? क्यों? जरा सोच कर देखिए। काश तुम मुझसे भी उतना ही प्यार करते जितना तुम विजय हर्षवर्धन मलिक से करते हो। God, you're obsessed with the man. Obsessed नहीं, respect करता हूँ। और तुम्हें भी करनी चाहिए। Hello, मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ। मेरे पास किसी को रिस्पेक्ट करने का टाइम नहीं है। जानता हूँ, तुम्हें देश की प्रॉब्लम से ज्यादा फिल्मों के गॉसिप में इंटरेस्ट है। अरे, what's wrong? Gossip is at least entertaining. Okay, let's not start this again. मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं कल से विजय सर का चैनल जॉइन कर सकूं। Oh God, not again. Give me a break, Purav. अच्छा, मैं निकलती हूँ. See you later. Mwah. Have a good day. आज हॉले हॉले हेयर रिमूवर का एड शूट है. शाम को देर हो जाएगी. खाना बना लेना. और हाँ, अपनी फेवरेट करेले की सब्जी नहीं. Bye. Bye. 9 महीने पहले देश में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। जवाबदार मंत्रियों ने देश के सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करने का वादा किया और आज फिर बम ब्लास्ट हुआ। इतने हमलों के बाद भी हमारे सिस्टम ने अपनी गलतियों से क्या कुछ नहीं सीखा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी गलतियां आदत और मजबूरी में तब्दील हो गई हैं? अगर ऐसा है तो हमारी ये स्थिति आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। That is just terrific. ज्यादा खतरनाक। Yeah, he is. ना सोच कर देखिए। But our channel is not. What? डैड को लगता है मीडिया का फर्ज है जनता की सेवा करना। So, isn't he right? Yeah. लेकिन अगर डॉक्टर खुद बीमार पड़ जाए तो मरीज का क्या इलाज करेगा? क्या मतलब? हमारा चैनल एक सिक्योर यूनिट बन रहा है। यस। आज सुबह प्रधानमंत्री दिग्विजय हुडा ने मुजफ्फरनगर जाकर वहां हुए बॉम्ब ब्लास्ट की जगह का पूरा मुआयना किया। इस ब्लास्ट में मरने वाले बेकसूर लोगों और उनके परिवार वालों के दुर्भाग्य से भी बढ़कर दुर्भाग्य मेरा। समस्या का हल जानते हुए भी कुछ न कर पाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आतंकवाद से लड़ने के लिए इस देश में एक सख्त एंटी टेरर एक्ट की जरूरत है। अगर हम अब भी नहीं समझेंगे तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। अपनी इस ना समझे की सजा हम ऐसे ही पता नहीं कितने हमलों के रूप में अपने देशवासियों को देंगे। इस माहौल में ऐसे सख्त कदम की जरूरत प्रधानमंत्री के साथ साथ अब पूरे देश को भी महसूस हो रही है। लेकिन इसके बावजूद इस बिल का कट्टर विरोध कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी के लीडर मोहन पांडे। कौन गए? ये बिल
एक सरासर ढोंग है। बॉम्ब ब्लास्ट का फायदा उठाकर पूरी सत्ता हथियाने का ये नया तरीका है बूढ़ा जी का। भाई बूढ़ा जी तो इस तैयारी में लग गए हैं कि कब इस बिल को वो पास कराएं और कब उनकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर का दुरुपयोग शुरू कर दे। सच तो ये है कि बूढ़ा जी इस देश में बने हुए डर के वातावरण का गलत फायदा उठाना चाहते हैं। इस देश को नए कानून की जरूरत नहीं है, जरूरत है सख्त से सख्त कदमों की। बूढ़ा जी की इस हिटलर बनने की चाल का हम पूर्ण जोर विरोध करेंगे। और इसके साथ ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड जाता है मिस्टर मोहन पांडे को। चीयर्स। पर इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जनता का सारा सेंटीमेंट हुडा जी की तरफ घूमता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री दिग्विजय हुडा इस समस्या से जूझकर कामयाबी जरूर हासिल करेंगे। जनता का अटूट विश्वास और समर्थन उनके पास है। ये मीडिया की आजकल हुडा का बहुत धंधा बजा रही है। क्या लगता है क्या होगा? क्या नहीं होगा ये पूछिए नवीन जी। अगर हुडा का जादू ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा। और आप अपने चचेरे भाई को हटाकर एक नंबर के उद्योगपति नहीं बन पाएंगे। क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन क्या? पीछे से ने मुझे देख तो नहीं लिया। ये सर एनकाउंटर कॉप्स पर तुम्हारी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी थी। इंटेलिजेंट इनसाइटफुल ब्रिलियंट। यस बेस्ट ऑफ लक नहीं कहूंगा। तुम किस्मत से ज्यादा विश्वास पर खड़े रहने वाले लगते। जय हर शो की एक अलग पहचान होती है। मुझे डर है इतना खींचने से इसका असर कम हो जाएगा। और मुझे डर है कहीं इंडिया 24/7 ही बंद हो जाएगा। अगर आज कदम नहीं उठाएंगे तो शायद कल इसका भी मौका नहीं मिलेगा। डैड डैड मैं आपके उसूलों को जानता हूं, उन्हें ध्यान में रखकर ही सप्लानिंग की है मैंने। एंड डैड सभी का मानना है कि दीज चेंजेस आर फैंटास्टिक फॉर इंडिया 24/7। फैंटास्टिक डैड। एंड डैड डोंट माइंड मी सेइंग दिस बट हमें उसूलों के साथ साथ हमारे लिए काम करने वाले लोगों की सैलरीज का भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए ना डैड। ट्रस्ट मी डैड वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग। थोड़ा बदल रहे हैं बस थोड़ा सा। जय मैं तुम्हारे चेंजेस से सहमत तो नहीं हूं बट मैं समझता हूं कि हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। सी एज लॉन्ग एज इंडिया 24/7 के उसूलों को बिगाड़े बगैर हम नो वे डैड नो वे। कोई उसूल तोड़ा नहीं जाएगा। आई कैन अश्योर यू दैट। यू श्योर? सुपर श्योर डैड। मेरा मानना है कि हर शो की अपनी एक पहचान होती है और जो आप कह रहे हैं वो करने से असर कम हो जाएगा। बात असर की नहीं जरूरत की है। असर ही नहीं रहेगा तो जरूरत कैसे पूरी होगी? व्यूअरशिप बढ़ाने के चक्कर में हमने अगर हमारे एग्जिस्टिंग शोज के साथ खिलवाड़ किया तो जो करंट व्यूअरशिप है वो भी कम हो जाएगी। कितने दिन हुए तुम्हें इस इंडस्ट्री में आके? उससे क्या फर्क पड़ता है? इन सब चीजों को जानने समझने के लिए हमेशा तजुर्बे की जरूरत नहीं होती। माना कि मैं इस इंडस्ट्री में नया हूं मगर टीवी का दर्शक पुराना। यू मीन टू से मैं समझ नहीं पा रहा हूं इधर? इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? नहीं, आप मुझसे बेहतर समझते हैं पर आप वही देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं। व्हाई डोंट यू जस्ट शट अप? ये मत भूलो
कि तुम इस चैनल के एक एम्प्लॉय हो और हमारे खिलाफ बात कर रहे हो तुम। मेरी असहमति को मेरी नमक हरामी मत समझो। मैं जानता हूँ कि मैं इस चैनल का सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ। आप चाहे मेरी बात माने ना माने, इंडिया 24/7 की तरक्की मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी आपको। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। Joe is right. कुछ और भी है कहने को? बात कुछ बट विल इट मेक अ डिफरेंस? नो। चले गए थे? पता है मैंने कितनी बार फोन किया? एंड यू वर जस्ट नॉट पिकिंग अप। जय, जय, व्हाट्स रॉन्ग? जय, के साथ दिखा सके। अतुल कुमार दुबे? Who does write in that? सारे इंडिया को पता है। अगर ये अतुल कुमार दुबे हुडा का आदमी है तो हमारे लिए क्यों? With a gun pointing on your head, तुम किसी से कुछ भी बुलवा सकते हो। Gun point? Let पांडे जी handle all that, okay? लेकिन जीजू, गन पॉइंट पर हमेशा के लिए नहीं रख सकते ना। ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन पांडे जी निकालेंगे ना कोई और तरीका? फैमिली के लोगों को मारने की धमकी देके या पैसे की लालच देके या कोई और दबाव डाल के, व्हाटएवर, फॉरएवर, फॉरएवर। सी, तब तक हमारा काम हो जाएगा। बिलीव मी, इन सब बातों में पांडे जी का आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा समझ है, ओके? ट्रस्ट मी, बिकॉज़ आई ट्रस्ट पांडे जी। लेकिन जीजू, क्या सब सच लगेगा? समटाइम्स मेक मी लाफ। तुम मीडिया के आदमी हो यार। हाँ, तुम्हें मालूम है फिल्म कैसे बनती है? जस्ट थिंक दैट वी गो टू मेक अ फिल्म, ओके? अ शॉर्ट फिल्म, अ 5-मिनट शॉर्ट फिल्म। नो मसाला, नो नाच, नो गाना, straight to the point. Don't worry. मुजफ्फरनगर में हुए बम ब्लास्ट में अब्दुल नामक अपराधी पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार इंट्रोगेशन में अब्दुल ने खन्ना नामक व्यक्ति का नाम लिया। अब्दुल का कहना है कि खन्ना ने 50 लाख रुपए नगद पहुंचाए थे इस काम के लिए। पुलिस को इस वक्त खन्ना की तलाश है, लेकिन ये खन्ना है कौन? Dad, guess what I got? हुडा साहब थोड़ा नर्वस दिख रहे थे, कह रहे थे 100 भी नहीं मरे। जिस मकसद से धमाका करवाया वो पूरा होगा भी नहीं, लेकिन चैनल वालों ने ऐसा हल्ला मचाया काम हो गया। अब तो खुश हो ना हुडा साहब? बहुत खुश है। क्या ये सब जाए? कह रहे थे हमारी तरफ से खन्ना साहब को 5। By the way, ये वही खन्ना है जिसके सबको तलाशा डैड, सेम गाय। इसके साथ वो भी पहुंच जाएगा। थैंक यू दुबे साहब। ये सीढ़ी कहाँ से मिली थी? किसी ने भेजा डायरेक्टर्स में। आई मीन, कुछ और काम हो
We should air it right now, Dad. No. What? Huda जैसे नेता पर इस तरह आरोप लगाना कोई What are you talking, Dad? क्या बात कर रहे हो? साफ-साफ दिख रहा है मामला हुडा ने करवाया और अतुल कुमार दुबे जो खन्ना के साथ बैठ के बात कर रहा है हुडा का खास आदमी सब जानते हैं Everybody knows that, including you. Yeah, but बिना कोई सबूत के, how can What you? सबूत? What सबूत are you talking about, Dad? क्या सबूत की बात कर रहा है? कौन सी सबूत की बात कर रहा है? ये मीडिया पीपल डैड और हमारा काम है जो सच हमें मिलता है उसे सबके सामने लाना बस ये सच है डैड ये सच है डैड बाय द वे जिसने भी ये टेप हमें भेजी हो सकता है इस रादर आई एम श्योर दैट इस सच को उसने बाकी सारे चैनल्स को भी भेजा होगा डैड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम डैड मेरे लिए ना खुद के लिए ना इंडिया 24/7 के लिए सिर्फ और सिर्फ इस देश के लोगों के लिए आपको एक खुलासा फरहान करना होगा डैड यू ओ दिस टू द कंट्री डैड यू ओ दिस टू द कंट्री अपराध और आतंकवाद का सामना करने के लिए सरकार को असीमित सत्ता मिलने जा रही है गर्व की बात है यह आतंकवाद के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री ने कमर कस ली लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह सब कुछ सिर्फ एक पर्दा था एक धोखा एक झूठ अब जो आप देखने जा रहे हैं वो है आतंकवाद और आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक भारतीय राजनीति का इंडिया 24/7 द्वारा प्रस्तुत एक सच ओडा साहब थोड़ा नर्वस दिख रहे थे कह रहे थे सो भी नहीं मरे जिस मकसद से धमाका करवाया वो पूरा होगा भी नहीं लेकिन चैनल वालों ने ऐसा हल्ला मचाया काम हो गया अब तो ओडा साहब बहुत खुश है खन्ना साहब को 5 करोड़ रुपया और दे दो इसके साथ वो भी पहुंच जाएगा थैंक यू दुबे साहब बिना साहब को मिलेगा अगर कुछ और काम हो खन्ना को जरूर याद करें जरूर हम सब जानते हैं कि अतुल कुमार दुबे कौन है संसद के सदस्य और दिग्विजय हुडा के सबसे पुराने और वफादार साथी इसलिए अपने अजीज दोस्त हुडा के प्रति दुबे के मुंह से निकले हर उस लफ्ज पर हमर आप यकीन न करें तो और क्या करें या टेप मुझे क्यों नहीं मिली मुझे बिल्कुल पता नहीं था आई हैड नो क्लू आज मैं आपसे सोचने की गुजारिश नहीं करूंगा मुझे भरोसा है आपने सब कुछ देखा जाना और समझ भी लिया आज ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा खुलासे के बाद राजनीति के खर्च का पर्दाफाश हो गया पूरा देश इस वक्त सकते में इंडिया 24/7 द्वारा दिखाए गए खुलासे ने आम और खास जनता दोनों को हिला कर रख दिया है दिग्विजय हुडा का नाम उन गिने चुने नेताओं में से था जिन्होंने भारत की राजनीति के पटल पर अपनी साफ सुथरी आदर्श राजनेता की छवि बनाई मगर ये छवि आज टूटकर चकनाचूर हो गई है प्रधानमंत्री दिग्विजय हुडा की जो तस्वीर उभर कर आई है वो वाकई में भयानक है विजय हर्षवर्धन मलिक और उनकी बेटी जय मलिक के नेतृत्व में किए गए इस ऑपरेशन से राजनीतिक जगत में हलचल अभी अभी खबर मिली है कि पुलिस को संसद के सदस्य और दिग्विजय हुडा के खास दोस्त अतुल कुमार दुबे की लाश मिली है दुबे का खून हो गया है खन्ना को नहीं जानता आप ये स्वीकार करते हैं कि आप अतुल कुमार दुबे को जानते हैं अतुल कुमार दुबे हमारे करीबी दोस्तों में थे अतुल कुमार दुबे आपका दोस्त है खन्ना अतुल कुमार दुबे के दोस्त इसी हिसाब से जोड़कर देखा जाए तो दोस्त के दोस्त दोस्त नहीं हुए जी नहीं बिल्कुल नहीं एक सेकंड के लिए अगर मान भी लिया जाए कि अतुल कुमार दुबे खन्ना को जानते थे तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम भी
खन्ना से परिचय रखते थे? न्यूज में किया दिग्विजय हुड्डा ने सच का स्वीकार। एक बार फिर से सुनिए ध्यान से। अतुल कुमार दुबे हमारे करीबी दोस्तों में थे। हम भी खन्ना से परिचय रखते थे। अतुल कुमार दुबे खन्ना को जानते थे। अतुल कुमार दुबे उनके करीबी दोस्त थे। प्रधानमंत्री दिग्विजय हुड्डा के स्लिंग ऑपरेशन के प्रमुख किरदार खन्ना लापता है। आज देश कटघरे में है और खन्ना कहाँ है? इस खुलासे के बाद राजनीति के भ्रष्ट रिश्तों का पर्दाफाश हो गया है। क्या वाकई में खन्ना लापता है या उसे लापता किया गया है? मशहूर फिल्मेकर बॉबी भट्ट ने इस पूरे कांड पर अपनी अगली फिल्म की घोषणा भी कर डाली। सर हमारा सवाल आपसे ये है कि खन्ना कहाँ है? स्वागत है, खन्ना कौन है में इस साजिश के सबसे बड़े किरदार। खन्ना कहाँ है? बार बार दोहरा रहे हैं कि वो किसी खन्ना नाम के शख्स को नहीं जानते। विजय हर्षवर्धन मलिक के खुलासे के बाद दिग्विजय हुड्डा को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देने पर मजबूर कर दिया है। वंदे मातरम। जुर्म जितना संगीन होता है उसे छुपाने के तरीके भी उतने ही खतरनाक होते जाते हैं। और जब सरकार को बदल कर रख देने वाला इंसान ही गायब हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि अपराधी किस हद तक गया होगा। कहां है खन्ना? लेकिन ज्यादा जरूरी है यह पूछना कि कौन है खन्ना। दुबे और खन्ना दोनों का रहना हमारे लिए खतरा बन सकता था, इसलिए पांडित जी ने दोनों को ही जय। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, शेर और बकरियां। शेर को राज करने के लिए बकरियों को बलि बनाना जरूरी है। शेर बनना है कि बकरी, ये फैसला अब तुम्हें करना है। लेकिन फैसला करने के बाद में बकरियों पर टाइम वेस्ट करना बेवकूफी होगी। तुम्हारे विजय सर को पहले तक कभी इतना खुश नहीं देखा। पूरब क्या हुआ? खन्ना विजय सर की पार्टी में था। कौन खन्ना? वो हुड्डा का आदमी। I saw him at the party. How can he be so sure? टीवी पर जब देखा तो मुझे लगा मैंने खन्ना को पहले कहीं देखा है। फिर याद आया मैंने उसे विजय सर की पार्टी में देखा। पूरब तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वो खन्ना उस पार्टी में था? ये पार्टी के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। विजय सर या उनकी फैमिली के किसी आदमी ने उसे वहां इन्वाइट किया होगा, या फिर वो किसी गेस्ट के साथ वहां आया। किसके साथ? शायद मोहन पांडे। पूरब मेरी बात सुनो, तुम्हें सब में करमचंद बनने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस खन्ना को ढूंढ रही है, उन्हें अपना काम करने दो। यू जस्ट डू योर जॉब, बट आई स्टिल लीव दिस जॉब। पूरब तुमने सुना मैंने क्या कहा?
हुडा के जाने से सबसे ज्यादा फायदा मोहन पांडे के सिवा किसको सकता है? हम आतंकवादियों को देश के बाहर ढूंढ रहे हैं, ये नहीं जानते कि वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने जिसे अपने घर की हिफाजत और देश का भविष्य सौंपा, उसी दिन आज सच पूछिए, आप सबके सामने यहाँ खड़े होते हुए हम शर्म, हमने कुछ नहीं किया, हम कसूरवार नहीं हैं, फिर भी सर झुक रहा है, क्योंकि हम भी नेता हैं, और आज ये नेता शब्द हुडा जैसे देशद्रोहियों से जुड़ गया है। आप सोच रहे होंगे कि हम आपके सामने वोट मांग रहे हैं, हमें आपका वोट नहीं चाहिए, मोहन पांडे को वोट नहीं चाहिए, मोहन पांडे को राजनीति नहीं चाहिए, नेतागिरी नहीं चाहिए, ये कुर्सी भी नहीं चाहिए, तो फिर इस मोहन पांडे को क्या चाहिए? मोहन पांडे को चाहिए कि ये देश बूढ़ा जैसे भेड़ियों के हाथ से बच जाए। आज इस देश को मोहन पांडे की जरूरत नहीं है, मोहन पांडे को इस देश की जरूरत है, ऐसे देश की जहां दिल में सुकून और होंठों पे सच्चाई। सुबह शाम रात हर 10 मिनट में स्पीच तरीका सुनी चाहिए। राजनीति नहीं चाहिए, नेतागिरी नहीं चाहिए, ये कुर्सी भी नहीं चाहिए, तो फिर इस मोहन पांडे। ऐसे लग रहा है जैसे इंडिया 24/7 मोहन पांडे का प्राइवेट पीआर चैनल बन गया। हुडा के स्कैंडल के बाद पांडे जी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है डैड, लोग उसे देखना चाहते हैं। पीपल वांट टू सी हिम एंड आई थिंक वी आर जस्ट शोइंग पीपल व्हाट दे वांट टू सी। आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद दैट डैड। वैसे पांडे जी से हमें रेटिंग्स भी मिल रहे हैं। एंड डैड, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक वी आर ऑल ओके डैड। सी देन डैड। डैड, एक और बात करनी थी आपसे। क्या ना? आपके बर्थडे पार्टी में आपको एक लड़की से मिलवाया था मैंने, यास, यशोदा, रिमेम्बर? मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। आई लव हर एंड शी इज अ मुस्लिम। शादी सिर्फ लड़का लड़की की नहीं, दोनों परिवारों की भी हो जाती है। उसे सिर्फ जय के साथ नहीं, हमारे साथ भी रहना है। मैं अपने घर में किसी दूसरे क्या जानती हो तुम उसके धर्म के बारे में? नहीं, यहाँ तक मुझे पता है तुमने कभी कुरान नहीं पढ़ा। मैं क्यों पढ़ूं? मेरे लिए बस इतना जानना काफी है कि हमारे धर्म अलग है। क्या मैं जान सकता हूँ कि उसमें और हम में क्या अलग है? क्या मतलब क्या अलग है? हम मंदिर जाते हैं तो वो मस्जिद, हम दिवाली मनाते हैं और वो ईद, ईद मनाते हैं। जैसे तुम्हें साड़ी पहनना पसंद है और प्रिया को नहीं, तुम्हें दाल में तड़का कम पसंद है और नवीन को तो दाल ही पसंद नहीं है। हम सब भी तो एक ही धर्म के हैं, फिर इतने अलग अलग क्यों? मुझे अपनी बातों में मत फंसाइए। नहीं, बात बातों की नहीं है लता, बात समझ की है। हम अलग अलग लोग हैं, हमारे जीने का तरीका अपना, हर तरीका एक धर्म होता है। नवीन अपने धर्म से, मैं अपने धर्म से, तुम अपने और यास्मीन अपने धर्म से जिंदगी जी रहे हैं। कोई हिंदू और मुसलमान नहीं होता लता, सब लोग होते हैं। तुम बस इस बात को समझ लो कि तुम एक मुसलमान से नफरत नहीं कर रहे हो, तुम जय के प्यार से नफरत कर रहे हो। जय इंडिया, जय जय इंडिया, जय इंडिया, जय जय इंडिया। साला डब्बे बेईमान, घर चार घोटा चले सीने को तार। साला,
सब भूलो और गाओ गुनगान भारत महान नमस्ते मैम, मैं विजय हर्षवर्धन जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, साथ ही में एक बुक भी रिलीज हो रही है। आप ही की कंपनी ने उनका बर्थडे इवेंट मैनेज किया था, अगर उस पार्टी में जो गेस्ट इनवाइट किए गए थे उनकी अगर मुझे डिटेल्स मिले तो। कोई जेल से इलेक्शन लड़ता है, कोई वोट खरीद के बढ़ता है, लीडर उसी टाइम सच होता है जब उस लीडर को झूठा कहता है। पार्टी में चार खन्ना आए थे, लेकिन मैं वो खन्ना नहीं था जिसकी सबको तलाश है। इसका मतलब है पार्टी में खन्ना किसी केस के साथ आया था, या फिर हो सकता है उसका नाम खन्ना हो ही नहीं। ऐसे ऑपरेशन के लिए कोई अपना असली नाम यूज क्यों करेगा? पूरब तुम पागल हो गए हो? तुम जानते भी हो मोहन पांडे और उसके जैसे लोग कितने डेंजरस होते हैं, यूं खत्म कर देंगे तुम्हें किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे जैसे वो खन्ना को गायब किया था तुम्हें भी गायब कर देंगे। प्लीज पूरब अपने खातिर तुमने मेरे खातिर ये सब बंद करो। और ऊपर से इंडिया 24/7 जिस तरह उस दरिंदे पांडे की तारीफ कर रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हम बात नहीं कर रहे उस कर्ज की जो सुभाष घई और अब हिमेश रश्मिया की खासियत है, हम बात कर रहे उस कर्ज की जिसमें डूबते जा रहे हैं आप और हम। दोस्तों गौर से देखिए अपने आसपास, क्योंकि हमारी साहूकार बन बैठी हैं क्रेडिट कार्ड कंपनियां और उनके मार्केटिंग के जाल में हम बन बैठे हैं कर्जदार। इतना ही नहीं, आजकल तो कई कंपनियां अपना कर्ज वसूलने के लिए अंडरवर्ल्ड का सहारा भी लेने लगी हैं। कब कैसे कोई गुंडा AK-47 दिखाकर आपको मौत से परिचय करवा देगा पता ही नहीं चलेगा। देखते रहिए हमारा आज का स्पेशल लुट जाऊं लुट जाऊं इस कर्ज में। त्रिवेदी, मैं अगले कुछ महीनों में दो और चैनल्स खोलने का प्लान कर रहा हूं। जी सर। और उन चैनल्स पर सिर्फ एंटरटेनमेंट होगा। जी। तुम्हारी तरह एंटरटेनमेंट। नलिनी, पांडे जी इंडिया 24/7 के लिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देना चाहते हैं। ओके। पांडे जी पिछले 30 सालों से अब राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति गंदा और गलत शब्द है। देश की सेवा, पब्लिक सर्वेंट। अगर चुनाव के नतीजे ठीक निकले तो आप देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसे में आप देश के लिए नया क्या करेंगे? ना पूरब, पूरब जी सबसे पहले देश का जो रण है, जो रण लड़ रहा है उसे जीतेंगे। कौन सा रण? आतंकवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार, गरीबी, गंदी राजनीति के खिलाफ रण जीतेंगे। पांडे जी ये बोल हम पहले भी सुन चुके हैं, हर पॉलिटिशियन हर देश सेवक इलेक्शन के दौरान यही कहता है। हम आपसे कुछ नया सुनना चाहते हैं। किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं ये भी हम सुन चुके हैं पंडित जी। आतंकवाद, मैं कहता हूं कि आतंकवाद ये भी हम सुन चुके हैं पंडित जी। कुछ नया सुनाइए। ये नया नया क्या कर रहे हैं आप? समस्या इतनी पुरानी तो नया क्या करेंगे? समस्या पुरानी है पर हल तो नया हो सकता है ना पंडित जी। पंडित जी आप क्रिमिनल्स के खिलाफ रण की बात कर रहे हैं, तो राजनीति में आए हुए क्रिमिनल्स के बारे में आपका क्या कहना है? खत्म कर देंगे उसे। अपने आप को भी? क्या? 1972 से लेकर आज तक 102 केसेस में आपका नाम उछाला गया, जिनमें से 34 क्रिमिनल केसेस हैं, 25 लैंड डिस्प्यूट केसेस हैं और बाकी फ्रॉड फॉरेन एक्शन वायलेशंस। क्या कारण हो सकता है कि आप जैसे साफ सुथरे देश सेवक के खिलाफ इतने केसेस में उंगलियां उठी हैं? नाम क्या है बेटा तुम्हारा? पूरब। पूरा नाम बताओ बेटे। पूरब शास्त्री। पूरब शास्त्री, यूपी के हो?
क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है शास्त्री साहब, हमारी साइड के हैं आप। दिल्ली में कब से हो? इंटरव्यू आपका चल रहा है, मेरा नहीं। जो पूछा गया है उसका जवाब दो बेटे। 3 साल। 3 साल कॉलेज में था। राजनीति को बहुत बारीकी से देखते हैं ये। आप जैसे नौजवानों की इस देश में कमी है। अब आ जाओ राजनीति में, अब आपकी मदद करेंगे। क्यों? इंटरव्यू अभी पक्की है। नमस्कार। इंटरव्यू लेने के लिए भेजा था मैंने, कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं। एम्प्लॉय हो, सिर्फ एम्प्लॉय बनके रहो, एंड जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं सिर्फ उन्हें फॉलो करो तुम। स्मार्ट नलिनी, वो पांडे जी का इंटरव्यू लेने किसी और को भेज दो तुम, एंड जस्ट डंप दिस मैन्स इंटरव्यू। कंसिडर दिस वार्निंग एज माय लास्ट, मिस्टर पुरम। Last. तुम्हें सिर्फ समझना होगा that at the end of the day you and I are just employees. हमसे क्या होने वाला है? खन्ना, खन्ना पिछले सर की पार्टी में था। What? वही दिग्विजय हुड्डा का खन्ना, वो विजय सर के बर्थडे पार्टी में घूम रहा था। अगर विजय सर ने टीवी पर खुद पूछा है कि खन्ना कौन है, तो फिर वही खन्ना उनकी पार्टी में क्या कर रहा था? पूरब, तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं ना? थैंक गॉड। देखो पूरब, ये इश्यू बहुत सेंसिटिव है, ओके? मुझे बताए बिना किसी को भी मत बताना। वोटिंग काउंटडाउन जारी है और पूरा देश इस वक्त यह निर्णय ले रहा है कि उसका भविष्य किन हाथों में सौंपा जाए। ओपिनियन पोल्स कहें या पॉपुलैरिटी ग्राफ, एक बात तय है कि प्रधानमंत्री पद के एकमात्र प्रबल दावेदार सिर्फ मोहन पांडे हैं। इंडिया 24/7 के संवाददाता आनंद प्रकाश त्रिवेदी ने की मोहन पांडे से बातचीत। नमस्कार, मैं हूं आनंद प्रकाश त्रिवेदी और आपका होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं आज का हमारा स्पेशल जो जीता वही सिकंदर। पांडे जी, इंडिया 24/7 पर आपका स्वागत है। धन्यवाद पांडे जी। इस बात में अब कोई दो राय नहीं कि अब आप देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्या बताएं अभी। बताइए बताइए जी, मेहनत का फल है, मिठाई लगेगा। कितना मीठा? बहुत मीठा। बहुत या फिर बहुत मीठा? ठीक है भैया, बहुत बहुत मीठा लगा। ये हुई ना बात। इंडिया 24/7 पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मोहन पांडे जी ने अभी अभी खुलासा किया कि अब जब वो देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो उन्हें सिर्फ मीठा ही नहीं, बहुत मीठा भी नहीं, बल्कि बहुत बहुत मीठा लग रहा है। जाइएगा नहीं, अभी असली मिठास तो आना बाकी है, बहुत बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। पांडे जी, देश की जनता जानना चाहती है प्रधानमंत्री बनने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? जी अब तो एक नहीं, बहुत सारे काम करने हैं। नहीं, फिर भी सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? क्या बताएं अब? बताइए ना। सबसे पहला काम? हाँ, सबसे पहला काम बताइए प्लीज। हाँ, हम गंगा में नहाएंगे। जैसा कि आपने सुना, इंडिया 24/7 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मोहन पांडे जी ने अभी अभी कहा कि मैं गंगा स्नान करूंगा। जी हाँ दोस्तों, देश के अगले प्रधानमंत्री का खुलासा कि मैं गंगा स्नान करूंगा। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप अपनी कुर्सी से हिलिएगा भी मत, क्योंकि मोहन पांडे जी ने जो जीता वही सिकंदर में इंडिया 24/7 के जय मलिक की प्रशंसा में बोलने जा रहे हैं चंद शब्द। मुझे लग रहा है खन्ना का ताल्लुक सिर्फ पांडे से नहीं, जैसे भी है जय दो और चैनल्स खोल रहे हैं, और अंदर की खबर यह कि पांडे पैसे लगा रहे हैं। उड़ा के जाने से पांडे को तो फायदा हो ही रहा है, पर बहुत बड़ा फायदा जय को भी। आ,
करना चाहिए एक आदमी था। कितना चाहिए? 500 करोड़। लगता नहीं थोड़ा ज्यादा है? देश की कीमत आपको इतनी कम लगती है? इसकी कई कॉपीज मेरे चैनल के पास भी है, अगर मैं वापस नहीं आया तो सब कुछ आ जाएगा। आई लाइक यू। आई लाइक यू मोर। विजय हुडा का सच तो सामने आ गया है, लेकिन एक और सच था जो कभी सामने नहीं आया, वो था मोहन पांडे का सच। मोहन पांडे एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने हुडा के स्वार्थ और भ्रष्टाचार को बहुत पहले ही भांप लिया था, और इसका फल आज पांडे जी को मिला है इस चुनाव को जीतकर। सचमुच अगर कोई प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठने के अधिकारी हैं तो वो हैं सिर्फ और सिर्फ मोहन पांडे। पांडे जी को हेडलाइंस की तरफ से अपनी इस विजय पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हे पूरब, रिलैक्स, बहुत सोचा मैंने ये पांडे को एक्सपोज करके क्या मिलेगा। 10-12 दिन की टीआरपीज, हमारा चैनल फिर से नंबर वन चैनल हो जाएगा, राइट? ओके, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, दैट्स व्हाट वी वांट। लेकिन 500 करोड़ के सामने वो क्या है? जोक है ना? आई नो, 500 करोड़ इट्स बहुत पैसे होते हैं। 500 करोड़ मैंने तो मांग लिया मुंह खोलकर जो मुझे मांगना था, इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन सोचो मुझे इतने पैसे क्यों देगा? Why? You know why? जो कि एक बड़े से बड़े प्रोजेक्ट का छोटा सा स्कैम भी हजारों करोड़ों रुपए में जाता है। अब इसमें अगर सोचो कि देश का पीएम खिलाड़ी निकले तो 5 साल के टेस्ट मैच में कितना कमा सकता है वो? It's unbelievable. और पांडे उसी बिल को पास कर पाएगा। बेचारा हुडा तो सही में देश की सुरक्षा के लिए वो बिल पास करवाना चाह रहा था, लेकिन पांडे उसी बिल को पकड़ के इस देश का राजा बन जाएगा। इट्स अ फैंटास्टिक गेम यार, डोंट यू अंडरस्टैंड इट? और ये पांडे के दोस्त नवीन शंकली और जय मलिक, ये तो पूरी तैयारी में देश के पैसे लुटाने के लिए।
पांडे के पीएम बनती नवीन शंकलिया इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऐसे घुमाएगा कि फायदा उसे और सिर्फ उसे ही हो, और फिर उसका वो सपना अपने बड़े भाई को हटाकर खुद इंडिया का नंबर वन इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का पूरा हो जाएगा। और रही जय मलिक की बात, उसके बगैर तो ये पूरा ऑपरेशन मुमकिन ही नहीं था। Do you know कि पांडे के लोगों ने दुबे को गन पॉइंट पे रखा और जय मलिक ने खुद खन्ना और दुबे को उस टेप में डायरेक्ट किया। Can you believe it? और तुम तो जानते हो कि अब जय ढेर सारे चैनल्स खोल रहे और वो सारे चैनल्स मोहन पांडे की भलाई करने में लग जाएंगे। Oh boy, you know, Purab, you're talented. You're young, you're talented, lekin sirf talent kafi nahi hota, Purab. It's not enough. Talent ko sahi jagah par istemal karna chahna chahiye. You should know where to use it. Yani ki kahin bhi kuch bhi, no. You should use it sensibly. Agar tum chaho, to ek hafte ke andar tumhara bangla ho sakta hai. Agar tum chaho, to tum ye bike chhod kar gaadi mein safar kar sakte ho. अगर तुम चाहो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए वो फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हो। बस तुम्हें फैसला, दैट्स इट, इट्स ऑल इन योर हैंड्स। या 500 करोड़ में से 10 करोड़ में तुम्हें दूंगा। वैसे भी ये 500 करोड़ तुम्हें तुम्हारी वजह से तो मिली है। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी चैनल में नौकरी चाहिए, एनी नौकरी, कोई भी नौकरी, एनी सैलरी, फाइन विथ मी। Need sharp minds like you. और देश के लोगों का क्या? क्या? कौन से लोग? हाँ पूरब, कौन से लोग? वो लोग जो मजहब और जात पात जैसे फालतू इश्यूज के लिए एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हुए, वो लोग तो खुद अपने अपने घर और पैसे बनाने में जुटे हुए। तुम उन लोगों की चिंता कर रहे हो, उन लोगों की फिक्र कर रहे हो जिन्हें खुद किसी की नहीं पड़ी है, अपनी खुद की भी नहीं। तो फिर तुम उनका बुरा भला क्यों सोच रहे हो? Why should you care? जरा सोच के देखो। पूरब, तुम समझ गए, नहीं तो मोहन पांडे से मैं तुम्हें नहीं बचा सकता था। अरे लता, अरे आप कब से इतने सदे सवने लग गए? क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? भाई बेटा है मेरा, बाप को भी अधिकार है प्रेजेंटेटिव लगने का, और ये जो साड़ी आपने पहन रखी है इसे बदलिए, इसका कलर मेरी शेरवानी से मैच नहीं कर रहा है। हाय डैड, ये कोई वक्त है? परिवार के लोगों को मेहमानों से पहले पहुंचना चाहिए। यू नो व्हाट, नो नो नो, मुझे कोई वजह मत बताइए। And Naveen, can you just look after all the dancers and the band and everything? Yeah, I'll do. Hello, Nanali. Hi, sir. I have to say that you are looking absolutely stunning. Congratulations to you, sir. Thank you. Thank you so much. Trivedi. Yeah, you. You okay? हिंदी में बात कीजिए। इतना बड़ा क्यों लाया? वो छोटा मिला नहीं सर। छोटा मिला होता तो छोटा ले आता। जी सर। यानी मेरे बेटे की सगाई में आप एक छोटा गुलदस्ता लाए? नहीं सर, वो मैं तो इससे भी बड़ा लाने वाला था। तो लाए क्यों नहीं? जी मिला नहीं सर। मिला नहीं या लाना नहीं सर? नहीं नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं तो जय सर की सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ। अच्छा, मेरी नहीं, सच बोलिए, किसकी इज्जत ज्यादा कर, मेरी या जय की? Thank you.
बोलो क्या कहना है तुम्हें। बॉम्बला सोडा ने नहीं, पांडे ने करवाया। What? अगर आप ये नहीं जानते तो हो सकता आप ये भी नहीं जानते होंगे कि खन्ना हुडा का नहीं, आपके अपने बेटे जय का आदमी था और नवीन ने भी जय का साथ दिया। तुम किस किस पे इल्जाम लगा रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? पागल नहीं सर, बेवकूफ। और सिर्फ मैं ही नहीं, इंडिया 21st के इस सर्कस में पूरा देश बेवकूफ बनकर घूम रहा है। पिछले 10 सालों से मैं आपको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, आप ही से इंस्पायर होकर मैं जर्नलिस्ट बना और आज ऐसा वक्त आ गया कि मैं आप पर शक करने लगा हूँ। पर क्या करूँ सर, जो सबूत मेरे हाथ लगा उसके बाद मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। मुझे लगा आप भी इस बेईमानी में शामिल हो, या फिर आपने अपने बेटे जय पर यकीन कर लिया। बिना सही सबूत किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, आप इसे सिखाए सर, इसलिए मैं आपके लिए एक सबूत लेके आया हूँ। हो सकता है इसमें आपको ऐसा कुछ दिख जाए जो आपको पहले से नहीं पता, या हो सकता है इसमें ऐसा कुछ भी ना हो जो आप पहले से नहीं जानते। अगर आप इसे कचरा समझकर फेंक देना चाहते तो फेंक दीजिए, जला देना चाहते तो जला दीजिए। मैं आज तक समझता था कि सच को सामने लाने से कोई नहीं रोक सकता, मगर अब नहीं। इसलिए आपके किसी भी फैसले से मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना फैसला ले चुका हूँ। मैं हार चुका हूँ सर, इसीलिए मैं इंडिया 24/7 ही नहीं, जर्नलिज्म भी छोड़ रहा हूँ। हमें मिलता है उसे सबके सामने लाना, बस ना मेरे लिए ना खुद के लिए। You owe this to the country, Dad. कांच के जैसे साफ़सूर, कांच के जैसे टूट गए, कांच के जैसे साफ़सूर,
बाबू, बधाई हो विजय बाबू, बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया भी। आज अगर मोहन पांडे को देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है वो सिर्फ आपकी मेहरबानी। सच। अब देखिए ना, हम तो कह रहे थे कि रूड़ा पाखंडी है, लेकिन हमारी बात पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया, आपने भी नहीं। ये तो जय को सही वक्त पर सबूत मिल गए। वैसे विजय जी, हमने शपथ ग्रहण विधि के लिए उसी जगह को चुना है जहां पर बम ब्लास्ट हुआ था, ताकि जनता को आश्वासन पहुंचे कि मोहन पांडे के शासन काल में वो सब नहीं होगा जो हुडा की सरकार ने होने दिया। आज पूरी देश की जनता हमारे साथ है, और सिर्फ मेरी नहीं, पूरी जनता की भी यही इच्छा है कि विजय हर्षवर्धन मलिक खुद अपने शो पर मोहन पांडे जी का शपथ ग्रहण विधि प्रस्तुत करें। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप ये कर रहे हैं। वाकई मोहन पांडे में जादू है। मुझे खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए मॉम, लेकिन डैड को मनाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। एंड यू वेट एंड वॉच मॉम, मोहन पांडे इज हियर टू स्टे। ठीक कहा ना मैंने डैड, मोहन पांडे इज हियर टू स्टे। डैड, आई सी यू एट द ऑफिस, लॉट ऑफ अरेंजमेंट्स टू डू, इट्स अ बिग डे फॉर मी। एंड या डैड, आई हैव वन मोर गुड न्यूज़। India 24/7 is shifting office. You got a bigger place. Badi jagah. Badi soch tha. See you, Mom. Bye. अगले महीने की 10 तारीख को शादी पक्की हो गई है। आज ही बात हुई। आपने सुना मैंने क्या कहा? आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मोहन पांडे शपथ लेने पहुंच गए। द स्टेज इज ऑल सेट फॉर यू टू प्रेजेंट इंडियाज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। देखोगे तो अधूरा दिखेगा और नफरत की आंख से देखोगे तो धुंधला। अगर इस देश का विकास करना है तो दोनों आंखें खुली होनी चाहिए, और सिर्फ खुली नहीं, उसमें प्यार और भाईचारा भी होना चाहिए। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस भारत देश की नई पहचान बनानी है मुझे, जो भ्रष्टाचार की कलम से नहीं, सच्चे और मजबूत इरादों से लिखी जाएगी। फाइव
5, 4, 3, 2, 1. Sir, we are on air. Sir, we are on air. मैंने हमेशा माना है कि टेलीविजन पे जो चेहरा आप देखते हैं वो चेहरा विश्वास का है, सच्चाई का है। लेकिन आज मैं आपके सामने बैठा हूं ये बताने के लिए कि 21 नवंबर को मैंने आप सबसे एक बहुत ही गंदा झूठ कहा, एक ऐसा झूठ जिससे दिग्विजय हुडा की सरकार बर्खास्त हो गई। मैं जानता हूं कि इस गुनाह की कोई माफी नहीं हो सकती। अब अगर मैं कुछ कर सकता हूं, कुछ दिखा सकता हूं, तो चंद तस्वीरें। इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखेगा मेरे अपने झूठ का सच। ये वही खन्ना है जिसके बारे में मैं बार बार पूछ रहा था, कौन है खन्ना, कहां है खन्ना। और अब देखिए खन्ना को, मेरे ही बेटे जय मलिक के साथ। का आदमी था और ना ही दिग्विजय हुडा का। खन्ना था मेरे अपने बेटे जय मलिक का पुराना साथी। ये तस्वीरें तब खींची गई थी जब खन्ना और मेरा बेटा जय अमेरिका में साथ साथ पढ़ा करते थे। हमारा चैनल इंडिया 24/7 बार बार पूछ रहा था खन्ना कहां है, खन्ना कौन है, जबकि खन्ना मेरे अपने ही बेटे का पुराना दोस्त। मेरे अपने ही बेटे का पुराना दोस्त था। अब इस षड्यंत्र के कुछ और किरदार, कुछ और पहलू देखें। पांडे को एक्सपोज करके क्या मिलेगा? 10-12 दिन की TRPs, yes, हमारा चैनल नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन 500 करोड़ के सामने क्या है? मैंने तो मांग लिया मुंह खोलकर, जो मुझे मांगो। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट का छोटा सा स्कैम भी बहुत सारे पैसे, हजारों करोड़ों रुपए में जाता है। नंदिता, अगर सोचो कि देश का PM खिलाड़ी निकले तो 5 साल के टेस्ट में। नंदिता जल्दी आओ। मैं मोहन पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति, बनना चाहते थे इस देश के प्रधानमंत्री, नवीन शंकरलिया बनना चाहते थे इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति,
अमरीश कक्कड़ सिर्फ मौके का फायदा उठा रहे थे और जय मलिक चाहते थे कि इंडिया 24/7 बने इस देश का नंबर वन न्यूज चैनल। ये थी इन खास किरदारों के स्वार्थ की कहानी। जय, अगर तुम इस वक्त मुझे देख रहे हो तो इतना जान लो कि तुमने देश को नहीं सिर्फ मुझे धोखा दिया है, देश को धोखा तो मैंने दिया है। इस पूरी साजिश में अगर कोई अपराधी है तो वो मैं हूं। ये सब मुमकिन हो पाया सिर्फ एक माध्यम की वजह से, एक माध्यम के दुरुपयोग की वजह से, और उस माध्यम का नाम है इंडिया 24/7। मेरा अपना चैनल इंडिया 24/7। जय ने जो किया वो एक बहुत ही घिनौनी हरकत थी, उसने उसे जानते हुए किया और मैंने अनजाने में, लेकिन उसका कारण क्या था? एक सरकार होती है, फिर उद्योगपति जो देश में दौलत का उत्पादन करता है, फिर राजनेता कुछ रूलिंग पार्टी के और कुछ ऑपोजिशन के, इन सब का कर्तव्य बनता है इस देश के आम आदमी के लिए सिस्टम को स्थिर और सुनिश्चित बनाए रखना, ताकि हर कोई निर्भीक बिना रुके प्रगति कर सके। पर ये लोग अपना कर्तव्य कैसे निभा रहे हैं, निभा भी रहे या नहीं, ये आम आदमी कैसे जान पाएगा? ठीक इसी कारण के लिए मीडिया का जन्म हुआ। लेकिन जब सरकार और मीडिया सत्ता की दौड़ में आपसी सौदा कर लेती है तो खबरें बनती नहीं, बनाई जाती है। फिर जनता किस पर विश्वास करे? इन न्यूज चैनल्स पर जिसमें खबरों के नाम पर कुर्सी हड़पने की कहानियां लिखी जा रही हैं, जहां संजीदा और सच्ची खबरों को छोड़कर टीआरपी के नाम पर सेंसेशनलिज्म बेचा जा रहा है। एक प्रजातंत्रीय राष्ट्र में सबको अपने फायदे के बारे में सोचने की आजादी है, लेकिन हम मीडिया वालों ने इस हक से निष्पक्ष होकर सच की जबान बनने के बजाय देश के शासन वर्ग से अपना तालमेल बिठाना शुरू कर दिया। आखिर क्यों बदल दिया है हमने अपना किरदार? कौन क्या खबर किस अंदाज में सबसे पहले बताएगा? इस होड़ में तमाम अखबार और न्यूज चैनल जुट गए हैं। ये होड़ सिर्फ खबरों के बाजार में बने रहने की नहीं है, बल्कि खुद को सबसे तेज, सबसे आगे साबित करने की। एक ऐसी रेस बन गई है जिसका लक्ष्य है कामयाबी बनाम पैसा। इस दौड़ में आगे रहने के लिए चाहिए ज्यादा से ज्यादा दर्शक, ऊंची टीआरपी जो तब्दील होती है ज्यादा एड रेवेन्यू में, और एड रेवेन्यू का मतलब है ज्यादा दौलत, ज्यादा दौलत। यहां लक्ष्य होना चाहिए था खबरें, और माध्यम होना चाहिए था पैसा। वहां आज पैसा बन गया है लक्ष्य और खबरें केवल माध्यम, और इसी जाल में आ गया मेरा बेटा जय। मुझे
मेरे बेटे और इस कहानी के बाकी किरदारों को सजा दिलाने से सिर्फ एक अध्याय खत्म हो जाएगा। समस्या नहीं, जब तक हम मीडिया जैसी श्रेष्ठ संस्था को सत्ता, लालच और पैसे से दूर नहीं रखेंगे, कई और जय पैदा होते रहेंगे। तमाम सिस्टम हम बनाते हैं, इसलिए हालात को बदलने की ताकत भी हम ही रखते हैं। मैं 30 साल से ये रण लड़ रहा हूं, जीत नहीं पाया, जीत नहीं पाया। लेकिन पुरब, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि वो तुम हो जिसने आज पूरे देश को झकझोरा है, एक और गलत कदम को अंजाम बनने से रोका। तुम्हें बात समझ लो कि तुम हारे नहीं, जीत गए। और जो जीत तुमने आज हासिल की है उसे जारी रखना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा फर्ज। इंडिया 24/7 से आप सबका क्षमा प्रार्थी मैं विजय हर्षवर्धन मलिक आप सबसे आखिरी बार इजाजत चाहता हूं। आखिरी बार इजाजत चाहता हूं। नमस्कार। जा रही हूं तीनों को लेकर। डोंट एवर ट्राई टू कॉन्टैक्ट अस। ये मिर्चंदानी
ये अभी भी हमारे देश का सबसे बेस्ट क्रिमिनल लॉयर है, राइट? उसे फोन करो. सुनो सुनो, हेलो, ही इज स्टिल द बेस्ट, राइट? मैंने इंडिया 24/7 छोड़ दिया है, बस कहने आई थी. ऑल द बेस्ट अमरीश. तूने यहाँ चैनल खुला है ना, सच्ची खबर, वहीं से ऑफर आया है, वहीं जा रहा हूँ. ऑल द बेस्ट. हेलो, हाँ कौन? यस सर. अभी आ रहा सर. अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्.